नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडोक्सा कार्व के बारे में। इंडोक्सा कार्व को कईयों कंपनियां बनाती है अलग अलग नाम से, पर एक कंपनी ऐसी भी है जो इंडोक्सा कार्व को सिर्फ और सिर्फ इंडोक्सा कार्व के नाम से ही बनाती है। 15.8% EC और 14.5% SC में भी आता है इंडोक्सा कार्व। ऑक्साडाइजिन ग्रुप का यह कीटनाशक है। ये क्या करता है कि कीट के तंत्रिका तंत्र में जाकर और जो सोडियम का बहाव होता है उसको बनने से रोकता है, जिससे कीट लकवाग्रस्त होकर मर जाता है। यह कीट के द्वारा खाने पर और कीट की चमड़ी पर लगने पर यानी स्पर्श में आने पर भी कीट को मार देता है। पौधे की पत्ती या पौधे पर चिपक जाता है तो यह कईयों दिनों तक चलता है। इसलिए यह मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला इंसेक्टिसाइड है। अब जब यह पौधे पर चिपक जाता है तो एक सिंपल सी सोचने वाली बात है, हालांकि कंपनी तो ये नहीं कहती है कि यह ज़्यादा घातक है, पर यह जब पौधों पर चिपक जाता है तो खाने वाले जो सब्जी वर्गीय पौधे हैं, जैसे कि फूल गोभी हुई या जो भी पत्ती वर्गीय सब्जियां हम खाते हैं, उन पर हमें मेरे हिसाब से तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अधिक दिनों तक चिपका रहता है, अधिक दिनों तक काम करता है, तो सब्जी वर्गीय और फल वर्गीय फसलों में इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। फिर भी कोई भी कीटनाशक जो है वह 60 या 90 दिन से ज़्यादा तक चलता नहीं है, और इतने दिन में भी इसका असर कम होते 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 तक ख़त्म हो ही जाता है। अगर मैं कीटों की बात करूं तो यह बॉलवर्म, फ्रूट बोरर, डायमंड ब्लैक मोथ जो कि अपने धान में लगता है, वहां से चल के पॉड बोरर, लीफ होल्डर और एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, मतलब कि टोटल मिलाकर मैं बताऊं तो यह सभी प्रकार के कीटों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह सभी फफूंदनाशक, सभी कीटनाशक या सभी प्रकार के खाद, टॉनिक सभी के साथ चल जाता है। यह कीटों के लगने से पहले और कीटों के लगे हुए समय पे यानी कीटों के लगने के बाद में भी काम करता है। यह प्रिवेंटिव में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारी फसल में कीट नहीं लगे और हम इसको डालते हैं तो यह कीटों को लगने से बहुत ज़्यादा दिनों तक रोक देगा। तो यह थी इंडोक्सा कार्व की हल्की फुल्की सी जानकारी। और इसे डालने के बाद में अगर पानी गिर भी जाता है एक दो घंटे के बाद में, और यह इतनी आसानी से नहीं धुलता है, यह फिर भी चिपका रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह ज़मीन पर गिर जाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ असर कर ही देगा। और दिन तो मैंने आपको बता ही दिए कि यह ज़्यादा दिन तक चलता है, पर इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। लगभग ये 1300 रुपये का 500 ml आता है, और उसके बाद में यह 200 ml 200 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इंडोक्सा कार्व की यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। जय राम जी की।